नमस्कार, आप सभी को मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। पीएम मोदी की आलोचना भी की जा रही है। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे ये समारोह राजनीति का मुद्दा बन गया। आखिर पूरा विपक्ष क्यों उस कार्यक्रम के विरोध में उतर आया? संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। ये ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। वरिष्ठ सांसद और राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए संसद के नए भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। सवाल ये उठता है, क्या इसकी जरूरत है? किसी भी बड़े लोकतंत्र ने ऐसा नहीं किया। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 मई को पीएम को नए भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा, जब नई संसद की नींव रखी गई तब भी राष्ट्रपति को दूर रखा गया, और नए संसद के भवन के उद्घाटन से राष्ट्रपति को दूर रखा जा रहा है, ये न्यायोचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी से आग्रह करके उन्हें उद्घाटन में बुलाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया, ना ही अब राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है। केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। वो भारत की प्रथम नागरिक है। नए संसद भवन का उनके द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतंत्र मूल्य और संवैधानिक मर्यादा को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया, संविधान के अनुच्छेद 60 और 111 ये स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है, और इसीलिए उन्हें संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। इसके बाद आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने आरोप लगाया कि संसद भवन ने उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाकर बीजेपी ने आदिवासी और पिछले समुदाय का अपमान किया। संजय सिंह ने ट्वीट किया, बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है। महामहिम के अपमान की दूसरी घटना, पहला अपमान प्रभु श्री राम के मंदिर शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। दूसरा अपमान, संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को न बुलाना। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इस साल 28 मई को उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये एक महज संयोग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है, या फिर ये सुनियोजित है।